नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेना भर्ती अग्निपथ स्कीम को लेकर भागलपुर और नवगछिया में हुआ बवाल। सैकड़ों युवाओं ने ट्रेन परिचालन को किया बाधित, जमकर हुआ पथराव। प्रदर्शनकारियों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने संभाला मोर्चा, कहा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। शाहकुंड में घरेलू विवाद से परेशान युवक ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, घर में मचा कोहराम। विवादित बयान को लेकर हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में दिया था बयान। और घंटों रेल परिचालन बाधित रहने से यात्री हुए परेशान। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में गुरुवार को भागलपुर में युवाओं और छात्रों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल भागलपुर में सुबह से ही सड़कों पर बेरोजगारों युवाओं का हंगामा देखने को मिला, जहां सेना में भर्ती के लिए बनी योजना अग्निपथ का युवाओं ने जमकर विरोध किया और जगह जगह सड़कों पर छात्र युवाओं ने टायर जलाकर एवं रेल लाइन को बाधित कर परिचालन ठप कर दिया। इस हंगामे के कारण करीब 4 घंटों तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा, जबकि सड़क मार्ग पर भी यातायात व्यवस्था पर इसका खासा असर देखा गया। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए और जमकर उत्पात मचाया, जिससे निपटने और विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से काफी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। बताया जा रहा है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में छात्रों ने रेल चक्का जाम कर दिया और कई जगहों पर ट्रेन की पटरियां को भी भारी क्षति पहुंचाई, जिससे करीब 4 घंटे तक अप और डाउन एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी रही और चक्का जाम के कारण भागलपुर की ओर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही भागलपुर के सदर SDO धनंजय कुमार और सिटी SP शुभम आर स्टेशन परिसर पहुंचे और RPF एवं GRP समेत कई थानों की पुलिस के साथ पदाधिकारियों ने माइकिंग कर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन करने वाले नहीं माने। इधर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि करीब 3 साल से बहाली प्रक्रिया ठप है और 3 वर्ष पूर्व जो बहाली प्रक्रिया की गई थी उसे भी रद्द कर दिया गया है, जबकि पूर्व में हुई बहाली प्रक्रिया के कई चरणों में काफी छात्र सफल रहे थे। साथ ही छात्रों ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद ऐसे छात्र कहीं के नहीं रहेंगे और उन्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। हालांकि छात्रों द्वारा किए जा रहे हंगामे को बढ़ता देख बाद में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे भीड़ तितर वितर हो गई। देखिए, हम लोग के द्वारा वीडियोग्राफी भी करवाई गई है और उनको बार बार चेतावनी भी दी जा रही थी, पर उनके द्वारा कहीं कहीं पे हम लोगों ने भी देखा है कि जो होल्डर होते हैं ट्रैक के उसको निकाल दिया गया है, तो रेलवे प्रशासन को बता दिया गया है, वो लोग वहाँ से अभी चेक करवा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे भी मतलब आवश्यकता है रिपेयरिंग की वो मुश्किल से 1 से 2 घंटे में हो जाएगा, उसके बाद ट्रेन चलने लगेगी। बाकी जो भी बच्चे हैं वीडियोग्राफी वगैरह की गई है और जो उनमें उपद्रवी तत्व शामिल होकर जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, अब देखने से तो लग रहा था कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज बच्चे हैं, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। आप लोग भी देखे होंगे कि बार बार हम लोग के द्वारा उनसे उनकी जो भी मांगे हैं मांगी जा रही थी, पर उनके द्वारा कुछ ऐसा दिया नहीं गया और वो लग रहा है कि कुछ कहीं से मोटिवेटेड होके ही वो आए थे और उनका मेन पॉइंट ये नहीं था कि अपनी समस्याओं को रखें, मतलब कुछ न्यूसेंस क्रिएट करना था, इसलिए हम लोग जो भी कार्रवाई है वो निश्चित रूप से करेंगे। मांग है मेरे लिए, छात्र लोग ही हैं और इनकी कुछ मांगे हैं, इसके इसको लेकर हम लोग प्रॉपर पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारियों की नियुक्ति सुबह से की गई है, उनको समझाया बुझाया जा रहा है और उम्मीद है कि लोग जल्दी बात को समझ जाएंगे और आगे 3 साल का TOD जो लगाया गया है उसको हटाया जाए और उसके बाद मेरा जॉब परमानेंट जो था उसको किया जाए और जो ये एग्जाम कैंसिल करने की बात की है उसके जल्द से जल्द हम लोग के लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, वो एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। और पिछले साल आज 1.5-2 साल से एग्जाम नहीं होने के कारण कितना लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसके वजह 44 लड़का बिहार में आत्महत्या कर चुके हैं। आज कितना लड़का का एज खत्म हो गया है, मेरे साथ 2 लड़का रह रहे हैं, वो कल से रो रो के उसका बुरा हाल आ रहा है, को बोल रहा आत्महत्या करेंगे, को बोल रहा ये कर रहा है, उसके वजह से कितना लड़का आत्महत्या कर चुके हैं। बाकी में मेरा 2 दोस्त साथ में खाए पिए उठे बैठे, वो
एग्जाम सिर बचा था, उसका नौकरी होने वाला था और वो लड़का आत्महत्या कर लिया। आज परेशानी यही है कि आदमी दूर से आए हैं, कहीं कोई गाड़ी नहीं जा रही है और जो मतलब वेट करने का जो एक हिम्मत है वो भी आदमी का चूर हो रहा है। गर्मी से आदमी तबाह है, न पानी की व्यवस्था है ना और कुछ है। जानकारी तो यही सुनने में आया है कि 4 ईयर्स जो दिया गया है मतलब डिफेंस में, तो ये तो सही में अच्छा पहल नहीं है, समझ गए ना। 4 साल के बाद बच्चे क्या करेंगे, उसका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है, इन्हीं समस्या के चलते ऐसा हो रहा है। वहीं नवगछिया में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में छात्रों ने बीपुर रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर दिया, जिसमें करीब 4 घंटे तक हाटे बाजार अप एक्सप्रेस और जोधपुर बीकानेर डाउन एक्सप्रेस बीपुर स्टेशन पर खड़ी रही और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर चक्का जाम के कारण कटिहार बरौनी रेलखंड पर पूरी तरह से ट्रेन परिचालन बाधित हो गया, जबकि इसकी सूचना मिलते ही नवगछिया के SDO यतेंद्र कुमार पाल और SDPO दिलीप कुमार कई थानों की पुलिस के साथ RPF और GRP की टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। फिर बोले कि नहीं भर्ती कहां से, मतलब फिर मैट्रिक पास करे, फिर मैट्रिक 18 साल की उम्र लाए, अगर ये लोग बच्चा क्या करेगा, जब हम लोग फिर छाड़ेंगे ये लोग क्या करेगा, कहां जाएगा ये लोग, क्या करेगा ये बताइए। आप लोगों को पता है मेहनत आर्मी में कितनी होती है, भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा पंचायत किशनपुर घुसकी टोला निवासी 35 वर्षीय नरोज कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक नरोज की पत्नी रीना देवी कुछ दिन पूर्व अपने मायके गई थी, जबकि अपनी पत्नी को लाने नरोज अपने ससुराल गया था, लेकिन शाम ढलते ही वह वापस घर आ गया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वहीं काफी देर बाद भी जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार वालों को चिंता हुई और घर वालों ने जाकर जब कमरे में देखा तो नरोज ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। वहीं इसके बाद परिवार वालों ने घटना की जानकारी शाहकुंड थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची शाहकुंड पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जबकि घर वालों के साथ पुलिस आसपास के लोगों से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। नरोज की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि शुरुआती तौर पर खुदकुशी का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। अच्छा, आरो अपना हम गमेन पर लोग वहां फजरी लगा ले सांते नार लो ने छोटका को बच्चा को नु कल के नहीं पकड़ में आए कले पर गोड़ा तरह खराब ल नहीं बने गो कल के कले जो बेटा बना लिए खाना तर चावल निकाले गलो ने तब देखो को मां के फजरी लगा ले का अब इतना ही सब अपन करे लगा लियो सब बेटी सब लोई सब लोग को रात हो ले। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान एक चुनावी सभा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनावी भाषण के दौरान विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ हाजीपुर के गंगा वज्र थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। चुनावी सभा में लालू प्रसाद यादव ने चुनावी टक्कर को तब बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच भी निर्णायक लड़ाई बताया था, जिसके खिलाफ उनके विरुद्ध जातीय भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त तेवर दिखाते हुए लालू प्रसाद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। वह इस मामले में वैशाली के राघोपुर अंचलाधिकारी के लिखित आवेदन पर गंगा ब्रिज थाने में लालू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, साथ ही प्राथमिकी रिपोर्ट में IPC के विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दो समुदाय के बीच शत्रुता घृणा और वैमनस्य की भावना पैदा करने की बात कही गई थी। ऐसे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव की पेशी होनी है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के घंटों रुके रहने के कारण रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह इसको लेकर इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्रियों ने बताया कि ट्रेन को करीब 3 घंटे तक सुल्तानगंज स्टेशन पर रोका गया, लेकिन रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था यात्रियों के लिए नहीं की गई। यात्रियों ने कहा कि स्टेशन में बिजली नहीं होने से AC भी बंद पड़ा रहा, जिससे उमस भरी गर्मी में लोग काफी बेहाल रहे। वह इसको लेकर सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने बताया कि भागलपुर स्टेशन में छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन कर दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका गया, जिसको देखते हुए रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन को रोका गया और जगह जगह स्टेशन परिसर पुलिस बल की तैनाती की गई। विद्यार्थी भागलपुर में जाम किए हुए, जिसके कारण की इंटरसिटी 3236 डाउन इंटरसिटी 10:37 पर आई है, सुरक्षा को देखते हुए यहाँ गाड़ी को रोका गया है।
यहाँ पर पूरी तरह इंतजाम है, पैसेंजर सुरक्षित हैं, आरपीएफ जीआरपी चारों तरफ राउंड दिए गए हैं, पानी बिजली की उचित व्यवस्था किया है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के भरखुद पंचायत अंतर्गत तैरेटा गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण इलाके के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि तैरेटा गांव में विद्यालय नहीं होने पर गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जबकि इस गांव में 2006 के पूर्व से लोक शिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था, जिसमें 2 शिक्षक की नियुक्ति भी की गई थी। वहीं बाद में सरकार की नियमावली के तहत लोक शिक्षण केंद्रों को परिवर्तित कर विश्व सूत्री कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 2008 में भरखुद पंचायत में विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए तैरेटा प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,75,000 रुपये की राशि आवंटित कर अंचल को भूमि निर्गत करने का आदेश जारी किया था, लेकिन गाँव के असामाजिक तत्वों द्वारा बिहार सरकार की 5 acre 20 decibel जमीन को 4 दीवारी कर कब्जा कर लिया गया, जो अब तक असामाजिक तत्वों के दखल कब्जे में है। समस्या यही है कि हम लोग पंचायत में पढ़ते हैं जी और लास्ट बॉर्डर है, इसके बाद हम लोग का नगर परिषद है जो कि पंचायत से हमारी दूरी 3.5 to 4 kilometers। यहाँ के बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इसका लड़ाई हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पदाधिकारी जितने बैठे हुए हैं वह गलत बयान देके गलत स्टे करके स्टे करवाते हैं, केस में जाते हैं, व्यवधान करते हैं, जिसका परिणाम है कि सरकार का पदाधिकारी कहती है कि यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार की 5.5 acres यहाँ जमीन पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर अन्य व्यक्ति भी 6 decibel जमीन दान में दिए हैं, तब पर भी विद्यालय बनाने से सरकार या पदाधिकारी इग्नोर कर रही है। सरकार ने देता है विद्यालय, यहाँ पर बनाना नहीं देता है और मेरे विद्यालय चाहिए, बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दूर जाता है पढ़ने के लिए, पानी हो जाता है तो घरे में पड़ा रहता है। भागलपुर सुल्तानगंज के शिव वाटिका भवन में एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नव निर्वाचित एमएलसी विजय कुमार सिंह, बांका सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और कोशी क्षेत्र के विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का स्वागत फूल माला, अंग वस्त्र एवं बुके देकर किया। कार्यक्रम के दौरान पंचायत के सभी प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के बारे में सांसद, विधायक और एमएलसी को अवगत कराया और तमाम जन समस्याओं का समाधान कराने की अपील की। वहीं इस दौरान जदयू जिला महिला अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य सोनी कुमारी ने कहलगांव के जिला परिषद सदस्य रिंकू सिन्हा को जदयू की सदस्यता ग्रहण कराई, जबकि मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें सुल्तानगंज के कई अधिकारियों की मौजूदगी में सांसद और विधायक ने तैयारियों की समीक्षा की। व्यवस्था में लगे हुए हैं हम लोग श्रावणी मेला के लिए और जितना भी होगा बेहतर व्यवस्था कराने का काम। सदस्य अधिकारी और आई हुई जितनी भी महिला हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं आज यहाँ आई थी सुल्तानगंज सम्मान समारोह में विजय कुमार सिंह जी के, और चाहूँगी कि मैं सदस्य जो मैं आज बनी उनके समर्थक में
कड़ी से कड़ी मजबूती और औरतों को जोड़ेंगे। पीरपैंती प्रखंड में मत्स्य जीवी सहयोग समिति का चुनाव 28 जून को होना है, जिसको लेकर प्रखंड कार्यालय परिषद स्थित सिल्क भवन में नामांकन प्रक्रिया जारी है। बता दें कि कुल 13 पदों के लिए होने वाले मतदान को लेकर नॉमिनेशन चल रहा है, जिसमें अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष समेत कई प्रबंध समिति सदस्य निर्वाचित होंगे, जिसमें 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए अलग अलग उम्मीदवारों ने नामांकन कराया। इसको लेकर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी दिलीप कुमार झा ने बताया कि नामांकन पत्र की समीक्षा 17 जून को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 18 जून है। प्रत्येक चयन आवंटन 21 जून को किया जाएगा, जिसके बाद 28 जून को प्रखंड कार्यालय परिसर में मतदान होगा। साथ ही मतदान संपन्न होने के बाद 28 जून को ही मतगणना भी की जाएगी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेना भर्ती अग्निपथ स्कीम को लेकर भागलपुर और नवगछिया में हुआ बवाल, सैकड़ों युवाओं ने ट्रेन परिचालन को किया बाधित, जमकर हुआ पथराव। प्रदर्शनकारियों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने संभाला मोर्चा, कहा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। शाहकुंड में घरेलू विवाद से परेशान युवक ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, घर में मचा कोहराम। विवादित बयान को लेकर हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में दिया था बयान। और घंटों रेल परिचालन बाधित रहने से यात्री हुए परेशान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।